शाम को पकड़ेंगे ट्रेन और सीधे बाय ट्रेन दिल्ली। बड़ी जबरदस्त हमारी ट्रेन हमारी गंतव्य तक पहुंचाती है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह बहुत ब्यूटीफुल है, मौसम बिल्कुल साफ, जबरदस्त चमचमाती हुई सुबह, और गांव में है आज हमारा छठा दिन। तो दोस्तों पैकिंग पूरी हो चुकी है, घर चलने की तैयारी हो गई है। हम आज गांव को बाय बोलेंगे और चलेंगे, आज शाम की ट्रेन है गोरखपुर से, तो निकलेंगे अभी एक घंटे में गोरखपुर के लिए। गांव में सब काम वाम निपटा दिया, आज काम वगैरह जो भी था वो निपटा दिया, अब तैयारी कर ली है दिल्ली जाने की। गांव में ग्रीनरी है ना, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी सुंदर हरियाली चारों तरफ, जहां भी देखो वहां हरियाली। शाम को पकड़ेंगे ट्रेन और सीधे बाय ट्रेन दिल्ली। देसी खान पान है यहाँ पे गांव में, ये सीताफल। बड़ा फरा नहीं है ना इसमें, एक आध बड़ा होता तो दिखलाता मैं कि सीताफल। जैसे कि आपने देखा होगा ये ट्यूबवेल, ये खेत वेत पटाने के लिए, मतलब खेत वेत में पानी देने के लिए इस नालियों का यूज किया जाता है। और ये यहाँ पे छोटा सा ट्यूबवेल हाउस है ये। फोन है तो सब, हम जा रहे हैं खाना खाने, हमारी साली ने फोन कर दिया कि आइए जीजा जी खाना खा लीजिए, खाना तैयार है, चलते हैं खाना खाने। अभी ट्रेन के अंदर हैं और हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही है, और बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं। अरे हाय जबरदस्त, ओह जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त ठंड है बाहर, एकदम कोहरा जमा हुआ, कोहरा बैठ, आवाज़ भी नहीं निकल रही मुँह से, एकदम कोहरा, ठंडे ठंडे पूरा कुछ दिखा, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबरदस्त ठंड है। बाहर बहुत जबरदस्त ठंड थी दोस्तों, मैं तो आके अपनी सीट पे सो गया, चुपचाप आराम करते हैं, सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कहां तक पहुंचेगी हमारी ट्रेन। सो दोस्तों टाइम हो गया है, दोपहर के बज चुके हैं 12:35 और हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद। ये जो देख लो आप दिल्ली मेट्रो गाजियाबाद वाली ट्रेन, हमारी काफ़ी लेट थी, मैंने सोचा चलो गाजियाबाद उतर जाएंगे, बट गाजियाबाद स्टेशन रुकी नहीं, गाजियाबाद स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी नहीं तो आगे निकल चुकी है। हमारी जो ट्रेन है करीब करीब 6 से 7 घंटे लेट है, बस जस्ट करीब 1 बजे तक हमारी ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी।
तो हम तिलक नगर ब्रिज पार कर रहे हैं। मेरा बैग कोई ना ले जाए पीछे रखा हुआ है। और पहुंच गए हम तिलक नगर ब्रिज, ये तिलक नगर ब्रिज स्टेशन है, पार कर दिया है, बस कुछ ही देर में हम उतर जाएंगे। ट्रेन बिल्कुल स्लो कर दी है, मेरे ख्याल से करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 4 से 5 किलोमीटर दूर होगा, और ट्रेन बिल्कुल स्लो चल रही है 10 की स्पीड में, हल्की हल्की आगे बढ़ी जा रही है स्लो। सो फाइनली दोस्तों हम पार कर रहे हैं जमुना जी। और जमुना जी पार कर रहे हैं, साफ दिख रही है यार जमुना जी यहाँ पे इस तरफ। हाय हाय इतना सुकून। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य तक पहुँचाते हैं। प्लेटफॉर्म खाली करो, ये पीछे तिलक नगर शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन, और ये सामने हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। झटके मार रही है ये तो चलती ही जा रही है। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये हमारी गाड़ी लग रही है पटरा प्लेटफॉर्म पे, ये नई दिल्ली पहुंच चुके हैं सामने। वेलकम टू नई दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्वागत है। गोरखधाम एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर से चलते नई दिल्ली को पहुंच चुकी है, प्लेटफार्म नंबर 9 पर लगाई जा रही है। प्लेटफार्म नंबर नई दिल्ली समुद्र तल की ऊंचाई 214.42 मीटर। चलो ओके नई दिल्ली तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं दिल्ली, घर पहुंच गए हैं। आप पीछे देख रहे होंगे हमारा स्टूडियो। सो बने रहिए परम स्टूडेंट ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपका सपोर्ट एक मोटिवेशन देता है और आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। तो अगली वीडियो तक इंतजार करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद। आज की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।